गोरखपुर जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आने है। यहाँ गीडा थाना क्षेत्र के एक गांव में बुधवार की देर रात युवती से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बृहस्पतिवार सुबह पुलिस को घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मुख्य आरोपी की तलाश में पुलिस टीम लगी थी। इसी बीच एकला बांध पर पुलिस और आरोपी की मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली से आरोपी घायल हो गया। घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि युवती ने गीडा थाने में केस दर्ज कराया है। युवती ने तहरीर में लिखा है कि वो रात में किसी काम से घर से निकली थी। इसी बीच एक युवक ने उसे बागीचे में खींच लिया। वहां पर चार युवक पहले से मौजूद थे। उन्होंने बताया कि युवती से सामूहिक दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया है। एक आरोपी को मुठभेड़ में पैर में गोली लगी है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, जनपद गोरखपुर के थाना गीडा क्षेत्र के एकला बंदे के आसपास आज सुबह 3:30 से 4 बजे के बीच में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला जो रेलवे स्टेशन से नौसठ क्षेत्र में अपने घर जा रही थी और ऑटो से ट्रैवल कर रही थी, तो कुछ लड़कों द्वारा एकला बंदे के पास उनका ऑटो रोका गया। बलपूर्वक उनको अपने जो दोपहिया वाहन है उस पर सवार करा कर जो एकला बंदे के नीचे जाते हुए अमरुद बाग है या बगिया है वहाँ पर ले जाकर उनके साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गई। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस टीम के साथ उच्च अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। महिला से इस पूरे घटना का विवरण लिया गया। घटनास्थल के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की गई। महिला द्वारा घटना कारित करने वालों में से एक व्यक्ति या एक अपराधी को पहचाना गया, उसकी जो सूचना है पुलिस को दी गई। इसी लीड पर काम करते हुए तत्काल पुलिस टीमों का गठन किया गया। थाना गीडा, थाना राजघाट व अन्य टीमों एसपी नॉर्थ और एसपी सिटी साहब के निर्देशन में इनको लगाया गया और मात्र कुछ घंटों के अंदर ही इन अपराधियों की घेराबंदी की गई। पुलिस जब इनको अरेस्ट करने जा रही थी तो इनमें से जो मुख्य अभियुक्त है प्रद्युम्न, उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। जवाबी फायर में पुलिस के द्वारा भी इसमें जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें कि जो प्रद्युम्न नाम का मुख्य अभियुक्त है वो घायल हुआ है। इसके अतिरिक्त इस घटना में उसके चार और सहयोगी वो भी अरेस्ट हुए हैं। जो महिला है उनकी तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। उनकी स्थिति अभी सामान्य है और उनका मेडिकल और बाकी जो 161 और 164 के जो बयान की प्रक्रिया है वो करवाई जा रही है। इन सभी को अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। ये प्रयास किया जाता जा रहा है कि सभी साक्ष्यों के आधार पर और विटनेस के आधार पर अति शीघ्र इस घटना का अनावरण करते हुए इसमें चार्जशीट लगाई जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जा करके जल्द से जल्द इन अपराधियों को सजा दिलाई जाए। आगे चल के इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। ये जो अभियुक्त प्रद्युम्न है इसके ऊपर पूर्व के भी विभिन्न थाना क्षेत्रों में मुकदमे हैं, वो पूरा आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। इसके जो सह अभियुक्त है उनका भी आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। इसके आधार पर आगे चल के गैंगस्टर और हिस्ट्री शीट की भी कार्रवाई इनके ऊपर की जाएगी।